इस वीडियो में हम जो टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का करने जा रहे हैं वो है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल पर आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और ये हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का फोर्थ न्यूमेरिकल है। तो इसमें हम पहले देखते हैं इस न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ है हमारे पास पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस सादिया, यानी मिस सादिया के बुक्स में हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। इससे पहले कि हम ये तमाम इन्फॉर्मेशन रीड करें, हम अकोमोडेशन बिल का ब्रीफ सा आइडिया ले लेते हैं। अकोमोडेशन बिल ऐसा बिल होता है जो दो पार्टीज की फाइनेंशियल हेल्प के लिए एक पार्टी दूसरी पार्टी पर ड्रॉ करती है। यानी इसमें क्रेडिट सेल्स, जैसे हमने पहले किया, क्रेडिट सेल्स होती हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी पर बिल ड्रॉ कर रही है और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पूरा होने के बाद उस बिल की अमाउंट को एक पार्टी वसूल कर रही है। तो इस केस में अकोमोडेशन बिल में कोई क्रेडिट सेल्स नहीं होती। ये आमतौर पर जो लोग करते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं या वो फ्रेंड्स होते हैं और वो एक दूसरे की फाइनेंशियल नीड पूरी करने के लिए करते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास है मिस आमना। मिस आमना ये कर रही हैं कि ये बिल ड्रॉ करेंगी मिस सादिया के, मिस सादिया पर, और ये उस बिल में लिखा होगा कि मिस सादिया ने मिस आमना के पैसे वापस देने हैं, पैसे देने हैं, और वो पैसे 3 मंथ्स के बाद मिस सादिया दे देंगी। अब मिस आमना मिस सादिया से सिग्नेचर लेके वो बिल अपने पास ले आएंगी और उस बिल को बैंक के पास जाकर डिस्काउंट करवा लेंगी। जब वो बिल बैंक देखेगा, बैंक उस बिल पे मौजूद अमाउंट अपने चार्जेस रखकर अमाउंट दे देगा मिस आमना को, और बैंक वेट करेगा कि 3 महीने या 4 महीने जितना भी टाइम पीरियड उस बिल पे लिखा हुआ है वो टाइम पीरियड पूरा होने पर जिस पर्सन के नाम पर वो बिल है बैंक उस पर्सन से वो पैसे वसूल कर लेगा। इस तरह से जो भी टाइम पीरियड बिल के अंदर डिसाइडेड है उस टाइम पीरियड के लिए दोनों पार्टीज की हेल्प हो जाएगी, फाइनेंशियल नीड पूरी हो जाएगी। तो अब हम लोग इसे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फॉर देयर म्यूचुअल अकोमोडेशन आमना ड्रॉज बिल ₹4,10,000 ऑन सादिया। यानी उन्होंने म्यूचुअली एग्री किया, एग्री करने के बाद मिस आमना ने बिल ड्रॉ किया है मिस सादिया पे, तो मिस आमना के लिए वो बिल होगा बिल रिसीवेबल और मिस सादिया जिस पर ड्रॉ किया जा रहा है, जिसकी लाइबिलिटी है कि उसकी अमाउंट को पे करना है, तो उसके लिए ये बिल होगा बिल पेएबल फॉर 4 मंथ्स। इसका मतलब है इस बिल की अमाउंट पे होगी 4 महीने के बाद। सादिया एक्सेप्टेड इट एंड रिटर्न टू आमना। सादिया ने ये बिल एक्सेप्ट किया है, यानी उस पर सिग्नेचर किए हैं और वो बिल आमना को रिटर्न कर दिया है। तो हमने यहाँ जो जर्नल एंट्री पास करनी है वो हमने मिस सादिया की बुक में करनी है। तो हम देखते हैं ये जर्नल एंट्री क्या होगी। ये मिस सादिया का जर्नल हमने बना लिया है, इसमें हम लोग फर्स्ट एंट्री पर हैं, ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट जनवरी, यहाँ डेट मेंशन नहीं है तो हमने यहाँ पे लिख दिया, एज्यूम कर लिया कि फर्स्ट जनवरी है, और हमने आमना अकाउंट को डेबिट किया। और जो हमने यहाँ ऊपर कहा था कि मिस सादिया के लिए ये बिल बिल्स पेएबल है, तो बिल पेएबल है और हम मिस सादिया का जर्नल बना रहे हैं तो हम इसमें क्रेडिट करेंगे बिल पेएबल को। यानी ये जर्नल ये शो कर रहा है मिस सादिया के लिए लाइबिलिटी है कि उन्होंने ये बिल की अमाउंट 4 मंथ्स के बाद देनी है और आमना अकाउंट को वो अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करके, यानी उसे डेबिट करके, यह लाइबिलिटी बिल पेएबल अकाउंट में शिफ्ट की जा रही है। इससे पहले उन्होंने आमना अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, मतलब आमना को पे करना है, तो अब आमना अकाउंट उनकी लाइबिलिटी नहीं है, उन्होंने इसे डेबिट किया और बिल्स पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और इसकी अमाउंट है 10,000, तो ये अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी। इसके बाद हमारे पास है द प्रोसीड ऑफ द बिल आर टू बी शेयर बाई आमना एंड सादिया इन द रेशो ऑफ 3/5 एंड 2/5 रिस्पेक्टिवली। यानी ये इस बिल से जो अमाउंट आएगी 10,000, इस अमाउंट को इसको हम लोग प्रोसीड्स कह रहे हैं। ये आमना और सादिया शेयर करेंगे और शेयरिंग रेशो क्या होगी, जो मैम आमना है वो 3/5 ये अमाउंट लेंगी टोटल अमाउंट का, और मिस सादिया टोटल अमाउंट का 2/5 लेंगी। ये एक इन्फॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। 3/5 एक ले लेंगी और 2/5 एक ले लेंगी टोटल अमाउंट का। इसके बाद क्या है, द बिल इज डिस्काउंटेड बाय आमना, क्योंकि आमना ने सिग्नेचर लिए हैं सादिया से, तो आमना बैंक के पास लेकर जा रही हैं बिल डिस्काउंट करवाएंगी, और बैंक जब बिल डिस्काउंट करके बिल की अमाउंट को
3 महीने या 4 महीने पहले देगा तो बैंक अपने भी कुछ चार्जेस लेगा। जैसे यहाँ 10,000 का बिल है तो बैंक दे रहा है 9,950, 50 रुपये बैंक अपने चार्जेस के तौर पर अपने पास रख रहा है। और एंड शी रिमिट्स 2/5 ऑफ द प्रोसीड टू सादिया। और अब इस प्रोसीड में से जो प्रोसीड टोटल मिली है, जो बैंक से अमाउंट मिली है, उसमें से 2/5 जो है वो मिस सादिया अपने पास रखेंगी और अपने यूज़ में इस अमाउंट को लेकर आएंगी। इस तरह अकोमोडेशन बिल की मदद से कुछ पैसे मिस आमना के पास रहेंगे 4 साल के लिए, और सॉरी 4 महीने के लिए कुछ मिस सादिया के पास रहेंगे, और दोनों अपनी नीड, फाइनेंशियल नीड पूरी करेंगे। अब हम लोग इसकी एंट्री देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास है सेकेंड एंट्री, और हम लोगों ने ये ज्यूम किया कि 1 जनवरी को ही बिल ड्रॉ हुआ है और 1 जनवरी को ही बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया गया है। तो 10,000 बिल की अमाउंट थी और बैंक ने जो अमाउंट दी है वो है 9,950। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 9,950, ये हम लोग अपना रफ़र कर रहे हैं अभी, इसे हम लोग रेस कर देंगे। 9,950 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 के साथ और डिवाइड कर दिया 5 के साथ, तब हमें पता चल जाएगा कि मिस सादिया के जर्नल में कितनी अमाउंट है टोटल का, जो अमाउंट बैंक से मिली है उसका कितना इनके जर्नल में आया है। तो ये हम लोग यहाँ पे इसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ गया 3,980, 3,980 मिस सादिया के पास आया है। तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। बैंक अकाउंट की जगह हम यहाँ पर कैश अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं। कैश या बैंक अकाउंट में सादिया के लिए एसेट की हैसियत रखता है और एसेट में इंक्रीज को डेबिट किया जाता है। और कितना ऐसा डिस्काउंट का कितना पार्ट है जो मिस सादिया के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि जो डिस्काउंट बैंक ने रखा है वो डिस्काउंट भी मिस सादिया और मिस आमना दोनों के लिए एक्सपेंस बनेगा, जितनी जितनी उन्होंने अमाउंट रखी है उतनी उतनी अमाउंट के तनासुब से। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इन जो टोटल डिस्काउंट है 9,950 अगर बैंक ने दिया है, 10,000 में से 9,950 अगर हम लोग माइनस करें तो ये 50 का टोटल डिस्काउंट है। 50 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 2 से और डिवाइड कर दें 5 से, जितना शेयर यहाँ पर मिस सादिया का है, तो उससे अगर हम लोग ये 2 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 20 डिस्काउंट का एक्सपेंस है जो कि मिस सादिया के जर्नल में हम लोगों ने डेबिट किया। डिस्काउंट एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस की अकाउंटिंग नेचर ये है, एक्सपेंस में इजाफे को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ 3,980 और 20 ये मिलाकर 4,000 रुपये मिस सादिया ने वसूल किए हैं, तो ये 4,000 रुपये मिस सादिया ने वापस भी करने होंगे 4 महीने के बाद मिस आमना को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आमना अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे 4,000 की अमाउंट से। इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब है जो 4 महीने हमने अलाउ किए हुए हैं मिस आमना ने मिस सादिया को, उन 4 महीनों के गुजरने से पहले पहले अब क्या किया है, सादिया ने ड्रॉ किया है एक और बिल, और वो है 20,000 की अमाउंट का, और वो बिल आमना पर ड्रॉ किया है, और वो बिल है 3 महीने का। यानी इस बिल की अमाउंट, ये बिल ये शो कर रहा है कि सादिया जो है उनके आमना ने पैसे देने हैं, और वो पैसे 3 महीने के बाद आमना सादिया को देंगी। सादिया ने सिग्नेचर लिया आमना के और वो बिल अपने पास रख लिया। अब इस केस में जो हो रहा है वो पहले से रिवर्स हो रहा है, यानी अब सादिया ये बिल बैंक के पास लेकर जाएंगी और बैंक से कहेंगी कि बिल की जो अमाउंट है वो अमाउंट सादिया को दे दें। तो अब ये बिल सादिया के जर्नल में बिल रिसीवेबल कहलाएगा और आमना के जर्नल में बिल पेबल कहलाएगा, जो दूसरा बिल ड्रॉ किया गया है, और वो बिल की अमाउंट है 20,000। और इसकी भी अब हम लोग एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। बिल रिसीवेबल अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया है क्योंकि मिस सादिया ने अमाउंट रिसीव करनी है। इस दफ़ा मिस सादिया ने बिल ड्रॉ किया है और आमना ने एक्सेप्ट किया है, तो मिस सादिया के लिए ये बिल रिसीवेबल कहलाएगा
और इस बिल की अमाउंट है 20,000, तो यहाँ हम लोग 20,000 लिख देते हैं। और यहाँ डेट चूंकि गिवन नहीं है और लिखा हुआ है कि ड्यू डेट से पहले, यानी इसका टाइम पीरियड जो 4 महीने का मिला हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये टाइम पीरियड पूरा होने से पहले सादिया ने बिल ड्रॉ किया है आमना पर, तो हम लोगों ने यहाँ पे डेट लिख दी कि ये फर्ज कर लेते हैं कि ये 1 मार्च है। बिल जिस पर ड्रॉ किया जा रहा होता है, जिससे सिग्नेचर लिए जा रहे होते हैं, वो एसेट होता है, यानी उससे फ्यूचर में अमाउंट आनी होती है। अब आमना अकाउंट को पहले एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया होगा, जिस वक्त ये पता चला होगा कि इनसे अमाउंट वसूल करनी है। और अब अगर बिल ड्रॉ किया है तो बिल के थ्रू अमाउंट आनी है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करके आमना अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पे मेंशन भी कर दिया एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 मंथ्स। हम जो भी एंट्री पास करते हैं उससे रिलेटेड हम लोग एक्सप्लेनेशन यानी उसकी नरेशन लिख देते हैं इस तरह से, और ये नरेशन एक्सप्लेन करती है कि एंट्री जो हमने की है वो किस चीज की है। तो यहाँ पे हम लोग ये अमाउंट लिख देते हैं जो कि है 20,000। तो इस न्यूमेरिकल में हम देख रहे हैं अकोमोडेशन बिल क्या होता है, जो दो पार्टीज एक दूसरे की फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए एक दूसरे पर ड्रॉ करती हैं और अपनी चंद महीने या कुछ टाइम पीरियड के लिए फाइनेंशियल नीड को इसके थ्रू पूरा करती हैं। और इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी और उसकी जनरल एंट्रीज पास की, और जो इन्फॉर्मेशन रहती है इसकी हम लोग जनरल एंट्रीज हमारी इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास करेंगे।